नमस्ते मित्रों, आरटीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजेश एकनाथ जी से। राजेश एकनाथ इंदौर बेस्ड एक कलाकार है। वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं है, एक कला चिंतक भी है। कला के एक्सप्लोरेशन को, वो विजुअल वो एडवेंचर को वो बहुत अच्छी तरीके से उसको शब्दों में भी उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं उसमें। तो आज उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। राजेश एकनाथ जी, अ वॉर्म वेलकम आरटीवी में, आपका स्वागत है। नमस्कार आपका वसंत जी। नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और नमस्कार दोस्तों। एक आपके साथ मैंने जब भी बात की राजेश जी, तो मुझे जी ये अनुभूति हुई कि आप जितने खूबसूरत तरीके से एक विजुअल माध्यम को एक्सप्लोर करते हैं, वो पूरे एक्सप्लोरेशन को आप शब्दों में भी बहुत उसको अच्छा वर्णन करते हैं। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फाउंड इट इंटरेस्टिंग उसमें। लेकिन मैं ये शुरुआत करने से पहले एक संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि आपकी कला सफर कैसे शुरू हुई एंड अब तक की कैसी रही? इसके पीछे थोड़ा सा परिवार का हाथ बहुत ज्यादा है। मसलन कि मेरे दादाजी और पिताजी मूर्तिकार थे, और मेरे दोनों भाई थिएटर से जुड़े हुए हैं। माँ जो थी बहुत नरेटिव, हमको रोज जो बचपन में जो कहानियां सुनाती थी रोज रोज, तो नरेशन मतलब कहानियों का जो रिश्ता बचपन से बना है। और बिंब, जितने भारतीय बिंब होते हैं वो चाहे भक्ति के हो, जीवन से जुड़े हो, या किसी भी तरह से जीवन के जो भी छोटे बड़े पारंपरिक शहरी इस तरह की जो चीजें हैं, ये परिवार से बचपन से मिलती रही। और क्योंकि सारे हमारे ज्यादातर लोग जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, उनके परिवार का बैकग्राउंड गांव का है, तो वो जो ग्रामीण जीवन की जो खूबसूरती है, उसकी जो बातें हैं, वो जहन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। तो वो शुरू से ऐसा धीरे 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 वो खेल, जैसे एक खेल हम खेलते थे बचपन में, लिखा और काटा। तो कवेलू होते थे जो घर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो कबेलू होते हैं, उसपे चाक बराबर से लाइन डाल देते थे, और दो दो समूह होते थे और एक दूसरे की लाइनों को काटना होता था। जिनकी लाइनें बच जाती थी वो जीत जाता था। तो जीवन भी उसी तरह है। बाद में ये समझ में आया कि एक तरह की फिलॉसफी है कि अपना जो जिया हुआ है उसको खारिज करते जाते हैं हम लोग लगातार, उसमें से जो बेस्ट है वो रह जाता है, बाकी खारिज करते जाते हैं। तो आपकी बेसिक बेसिक आर्ट फिलोसफी वहां से, मतलब सांस्कृतिक, द कल्चर बेस्ड एंड जो जो हर घर में एक कॉमन मैन की एक घर में जो फिलोसफी होती है, वहां से आपकी निकलते आई हुई है, हाँ, करेक्ट? परवरिश से, नदी परवरिश से। ओ जी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि आप तो विजुअल माध्यम में हैं, आपके घर में आपके भाई लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं उसमें, तो एक एक ही विषय को अलग अलग पहलू से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रिज्म से देखने की आपको ये अनुभूति कैसी, हाउ डिड दैट हेल्प इन योर विजुअल लैंग्वेज? इसने मुझे अलग अलग आयाम में देखना सिखाया। जैसे कोई कोई दृश्य थिएटर में कैसा हो सकता है ना, बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज भी बहुत नरेटिव वे में कहने का तरीका मुझे दिखा थिएटर में। तो उससे मुझे दो चीजें सीखने को मिली कि चित्र में भी नाट्य का भाव होना चाहिए, और दूसरा जो आगे क्या होगा, वो जो जिज्ञासा बनी रहती है ना, मिस्ट्री एक क्रिएट होती है कि क्या होने वाला है ऑल ऑफ सडन। क्योंकि एक ही नाटक के कई वो होते हैं,
उसकी प्रस्तुतियां होती है, और हर प्रस्तुति में आप देखेंगे तो उसका ढंग बदल जाता है। इम्प्रोवाइजेशन जो होता है लगातार चीजों का, वो मुझे सीखने को मिला। मेरी मम्मी मराठी में कहावतें बोलती थी, तो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी तो बोलती थी, खाकीत लेकरू न गावत कल्ला, या पिताजी को बोलती थी, बाप तसा लेक न मसाला है, मतलब जैसा पिता वैसे बच्चे। तो इस तरह की चीजों ने इन समृद्ध किया देखने को, सोचने को, समझने को। वो सिर्फ देखना ही नहीं, सोचना, समझना, कान तैयार हुए, आसपास भजन होते थे उससे कानों की तैयारी हो गई, परिवेश की वजह से देखना तैयार हो गया। भैया मेरे दोनों ब्रदर में से दोनों की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मतलब मंजले भैया हमारे किशोर भाई जी, जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया, कॉन्टिन्यूस ड्राइंग और रिवर्स ड्राइंग भी कर लेते थे, और बहुत जितना जितना भी किसी, जैसे मुझे जितनी भी किताबें मिली, मतलब बचपन में जैसे वे तीन पढ़ ली मैंने सातवीं आठवीं में, वो समझ में आता नहीं था। इयान तुर्कन को पढ़ने को मिला, मोहन राकेश जी के नाटक देखे, वो अंधायुग देखा। अब एक छोटे बच्चे की समझ नहीं होती थी, लेकिन मेरे जो भैया हैं किशोर पाटिल, उनने मुझे उसको समझने की, देखने की, उस तरह से मुझे ट्रेंड किया। वो म्यूजियम ले जाते थे, भारत भवन देखो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कोई क्लासिकल की अगर महफिल है तो वहां ले जाते थे। तो मेरे मजले भैया का बड़ा रोल है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा जी क्योंकि जब जब मैं आपकी कलाकृति को देखता हूं तो जी उसमें एक बहुत ही इट्स अ हाई एंड एब्स्ट्रैक्शन है उसमें। सामान्य तरीके से जब देखा कि हम देखते हैं कि कि आपके इर्द गिर्द या आपके आप जब आपकी सफर अगर देखूं मैं जी तो आप साहित्य से नहीं तो नाटक से वहां से एंड एंड लाइफ की जो आध्यात्मिक फिलॉसफी वहां से प्रेरणा लेके निकला हुआ चीज ऐसा जी मालूम पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा फिगरेटिव आर्ट में किस तरीके से होता था वो सब छोड़ के उतना आपके काफी वेरी हाई एंड एब्स्ट्रैक्शन में। तो ये वो जो नरेशन फॉर एग्जांपल आप कहते थे कि आपकी मम्मी ये वाज वो बहुत अच्छी नरेशन देते थे बहुत अच्छे ये तो आपने जो कॉन्सेप्ट्स लिए उसमें ये फिगरेटिव आर्ट में या रिप्रेजेंटेटिव आर्ट में ना होते हुए इतना हाई एंड एब्स्ट्रैक्शन में वो डिविएशन कैसा हो गया वो आप उस पथ पे कैसे चले गए। उसके पीछे भी दो बचपन की कहानियां हैं और एक अभी की। दो कहानियों में से एक मुझे हमेशा हांट करती है, जो चीज लगातार अंदर से, वो एक एक प्रार्थना का अंत हिस्सा था कि वो ये कहा जाता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो उस प्रार्थना का अंत का ये जो हिस्सा है कि प्राणियों में सद्भावना हो, उसमें मनुष्य भी इंक्लूड है, और जो जानवर है, पशु पक्षी, वो सब इंक्लूड है, हम सब जितने प्राणी है सब। ये जो समग्र ऊर्जा है ये किस तरह से काम करती है। और दूसरी एक प्रार्थना का अंत था कि अभी एग्जैक्ट पूरा थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो उसमें ये प्रार्थना के इसमें ये भाव कि ईश्वर न सिर्फ सबका भला कर, हमारा भी भला कर। तो ये जो समग्र ऊर्जा किस तरह से काम करती है, ये मेरे को बचपन से ही, शुरुआत से ही ऐसा लगता था कि यार ये जो हमारे भारतीय पद्धति, जीने की पद्धति में घुला मिला इतना इतना बड़ा रस है जिसपे ध्यान नहीं जाता है अक्सर। और ये मानवता का ये उदाहरण तो भारतीय हर पक्ष में मिलता है, लेकिन मानवता ही अंततः हमारे यहाँ धर्म के लिए सबसे बेस्ट हुआ है। जिस तरह से कृष्ण जी और गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई कर्म प्रधान जो देश है हमारा, तो ऐसे छोटी छोटी सी चीजें है ना, धीरे 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 जैसे मोती की माला बनती है, वैसे वैसे मेरे दिमाग में धीरे 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 बनने लगी।
और मुझे वही भाव पेंट करना था कि समग्र ऊर्जा कैसे काम करती है। इसलिए अभी मैं पंढरपुर भी आया कि कैसे 5 लाख 10 लाख लोग इकट्ठे विठ्ठल का गीत गाते हुए, भक्ति कवियों की बात करते हुए, उनको गाते हुए निकल जाते हैं। हर व्यक्ति में वही भाव है और हर व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाता है ईश्वर की तरह। तो इससे अद्भुत क्या हो सकता है। नहीं, ये एक बहुत अच्छी पहलू, मतलब ये बात, क्योंकि लास्ट जब भी मैंने आपको कॉल किया, या तो आप कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं इसमें, तो आपकी ये ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है, उसमें जो जितनी अनुभूति मिलती है वो घर बैठे नहीं मिलती है। हम बाहर जी जाते बिल्कुल हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग घटनाएं को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसकी एक इम्पैक्ट ही अलग होती है उसमें, जी। राइट। तो ये जो आप बहुत घूमते हैं इसमें, इसमें से आप कैसे चीजों को क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं उसको, उसके अनुभव उसका क्या है? ऑब्जर्व तो कहना मुश्किल है, पर वो कैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो है ना ऊर्जा स्थल है हमारे यहाँ पर, तो वहां की उसमें बस जी लो, जितना जितना गंभीरता से अंदर तक पेट के अगर हम उस समय को जी लेते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे रूपांतरित अंदर होती रहती है। तो उसको जज्ब होने दो, उसको थोड़ा सा समय दो, और वो जब अपना पूरा समय ले लेती तो अपने आप ही स्वतः ही वो आ जाती है, धीरे धीरे घुलने लगती है, अंदर घुलता है जैसे। और मन जैसे सोखते की तरह होता है ना, जैसे स्लेट पे वो साफ करते थे, सोखता सोख लेता है ना पूरा, वैसा मन करेक्ट, हो जाता है, हर चीज को सोखने लगता है। और वो जब भी जिस फॉर्म में भी रूपांतरित हो जाता है, बस उसको होने देता हूँ। सर। मैं मतलब ये मेरी मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपके बैकग्राउंड के का जो एक्सपीरियंस है वो जानने की कोशिश कर रहा था बिफोर आई कम टू द जी जी आर्ट इसमें, क्योंकि मैं जब आपकी, अभी इस यात्रा के दो दो ऐसे अनुभव है, अंदर पेट गया अचानक ना, रास्ते में जो वारी करते हैं, जो गाने वाले हैं ना संत यहाँ पर, तो वो रास्ते में मिले हैं एकदम। हम लोग अनसर्टनिटी में वो रोक के उनने बात करी, उनने पहले हमको थोड़ा सा क्या करते हो, कहाँ से आए हो, ऐसा है, किस डिंडी से हो, तो हमने कहा किसी एक डिंडी से नहीं है, हम इन्वॉल्व हो गए हैं बस, सब में मिलके उसको अनुभव करना चाहते हैं। तो उनने मेरे से प्रश्न किया कि तुम पीते हो, मैंने कहा एकदम से चौंक गया मैं, तो मैंने कहा हाँ कभी कभी। मांस खाते हो, मैंने कहा हाँ। बोले इस रास्ते आए हो तो छोड़ो चीजों को। तो अब ये तय चीजें नहीं रहती है, अब उनका जो भाव है वो ही बात वहां से लौट के आने के 15 दिन बाद हुआ। मैं कहीं पे गया और ऐसा मेरा मन हुआ कि यार मैं बॉयल अंडे खा लेता हूँ, तो पास में ही एक सज्जन खड़े थे, उनने मेरे को अपरिचित बिल्कुल, उनने मेरे को टोक के मना कर दिया कि आप मत खाइए, और फिर मैं वहां से निकल आया। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि यूं देखेंगे तो बहुत मामूली बात है, लेकिन अगर उसको उसके अंदर बैठे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई संदेश आप तक आता है किसी न किसी के द्वारा। तो सही बात। हाँ, एक 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 दादा दादी और एक बच्चा वारी पे थे, मतलब दादा दादी थे और उनका पोता, तो पोता दादा दादी को लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे ढंग से देखेंगे तो दादा दादी पोते को भी लेके आ रहे हैं, मतलब वो जो उनके अंदर भाव था वो नई पीढ़ी तक लेके आ रहे हैं कि भाई वो जो यात्राएं हैं। फिर देखता हूँ अर्बन लैंड में, देखता हूँ स्त्री विमर्श की बहुत बात होती है, फिर मेरे को लगता है कि एक गांव से एक महिला तुलसी ऐसे माथे पर रख के 30-40 किलोमीटर पैदल चल रही है, वो कितनी बड़ी शक्ति का संतुलन है। तो वो सही, अचरज हो जाता है, वो रुकते भी नहीं है लगातार, और बहुत तेजी से 40 किलोमीटर चलते हैं, इतनी ऊर्जा से भरे लोग, कोई शिकायत नहीं, कोई भाव नहीं, इतने सहज और सरल लोग, कितना मतलब आप पूरा जीवन कम पड़ जाए इतना सीखने के लिए है हर चीज से, अद्भुत है। सही सही नहीं, क्योंकि आपकी एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट वर्क जो मैंने देखी है, मुझे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो, इसलिए क्योंकि
आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज आपने की थी, आपने लास्ट टाइम दिखाई थी, उसमें उसमें जो जी मिस्ट्री एलिमेंट है जी 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 एंड उसमें जो एक एक खोज है, एक जी बहुत ही जी सुंदर खोज उसमें, तो जी हमेशा मेरी उत्सुक रहती है कि आप वो मिस्ट्री, वो खोज, जी उसको महसूस करना जिंदगी के अनुभव में एंड उस मिस्ट्री को विजुअल लैंग्वेज में उतारना, जी ये इसके बारे में आपकी आपकी राय क्या है, आपकी अनुभूतियां क्या है? मतलब एक मिस्ट्री, एक क्यूरियोसिटी, एक अननोन की तरफ जाना, देखना, खोजना, जी 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 वो मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, वो लेकिन पता नहीं। वो जो पूरा उसकी जो एक्सप्लोरेशन है मिस्ट्री की तरफ जी में, आप जितना जी अनुभूति करते हैं, आप उस अनुभव को कागज या कैनवस पर विजुअली उतारते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आपकी अनुभूति कैसी है बताइए ना। ये मेरे को लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है कि अभी जैसे मैं देहू गया, मैं था, मेरे साथ पुणे की मेरी दोस्त है मोनिका और एक पोएट है रंजना मिश्रा, हम तीनों गए। और देहू में तुकाराम जी का वो कर्म स्थल है, तुकाराम जी का जन्म स्थान भी है, तो वहां पर वो टीके लगाते हैं माथे पर, और एक साथ में एक काला टीका भी लगता है, उसको भुक्का कहते हैं यहाँ पर, यहाँ की भाषा में। तो वो 5 रुपए या जो भी पैसा आप उनको दें वो आपके माथे पे लगाते हैं। मैंने साथियों से कहा कि अगर हम उसके योग्य होंगे तो कोई भी आके हमको लगाएगा, हम पैसे देके नहीं लगवाएंगे उसको। और फिर हम उनके जहाँ पर जन्म स्थान था तुकाराम जी का, उस घर पे गए, बैठे वहां पर अभंग गा रहे थे लोग, हम बैठ के सुन रहे थे। और कोई आधा पौन घंटा हुआ होगा, उसके बाद कोई भक्त आया और उसने सबको भुक्का का टीका, जो टीका होता है, उस सबको लगाया। फिर ये एक ऐसी रिचुअल वाली बात है। और फिर मैंने देखा वहां पर कि यहाँ पर जितनी भी विट्ठल की मूर्तियां, यूजुअली भारत में जितनी भी जगह है ब्लैक है ज्यादातर, उसमें एक रॉ है। और अभी अभी कुछ आंखें अभी आर्टिफिशियल लगा दी जाती है, ये शायद मेरे ख्याल से 300-400 साल की प्रोसेस में हुआ होगा, इसके पहले वो भी नहीं रहा होगी। तो पूरी मूर्ति आप देखेंगे, हनुमान जी आप देखें तो वो ब्लैक दिखते हैं, कृष्ण देखेंगे तो ब्लैक है, नंदी है तो ब्लैक है, शिव है, जितने भी देव देवी और देवताओं को देखने का तरीका है वो इतना गहरा है। जैसे आषाढ़ में जब बादल कैसे घने और काले हो जाते हैं और आपको घेर बिल्कुल लेते हैं, तो लगभग लगभग सब पूरा एकदम एक ही रस में। तो पता नहीं, अभी किसी की पोएट्री में पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन थी, इसको मैंने अभी यूज अभी फिर से उसको रिपीट करने, याद रखने के लिए लिखा कि गहरा और काला रंग जो है सबको समान करते जाता है, धीरे 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 सबकी आइडेंटिटी को खत्म करता है। वो उसकी एक ऐसी ताकत है, उस अननोन की जो ताकत जिसको हम बोलते हैं, अननोन की जो ताकत ऐसी होती है कि वो जैसे जैसे समाने लगता है वो आपकी गिरफ्त को बढ़ाते जाता है, सही बात। और जैसे जैसे चीजें खत्म होती है, अपने अस्तित्व को खोती है, वहां पे रहस्य पैदा होता है। तो शायद जो भारतीय भक्ति परंपरा में काला या श्यामल रंग शिव का या कृष्ण जी का, ये जितने भी हमारे यहाँ ये मानते हैं, इतना डेंस इसलिए है कि ये सबको एक कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो दो बातें लास्ट टाइम भी आपके साथ बात कर रहा था तो आपने इसकी जिक्र किया था, एक जी वन जी इज दिस भक्ति मूवमेंट या जी भक्ति की जो अनुभूति होती है, एंड सेकेंड वन इज, दूसरी बात यह है कि हमारी भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं या जी आध्यात्मिक कथाएं हैं, ये दोनों चीजें हमारी काफी मिनिएचर पेंटिंग्स में आई है। एंड जी आपने लास्ट टाइम ये जिक्र किया था कि आपकी पूरी कलाकृति में मिनिएचर पेंटिंग्स की इंस्पिरेशंस आपको काफी मिली है उससे। जी 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 तो ये दो दो एस्पेक्ट है, वन इज दिस भक्ति मूवमेंट का एस्पेक्ट और ये मिनिएचर का ये,
जिसमें कि पौराणिक और आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स उसमें समाहित है। ये दो चीज आप अपने कलाकृति की जो रचना करने के लिए, अपनी सोच रचना करने के लिए आपकी जो फाउंडेशन बनाते हैं उसमें आया, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ना। मैं बाकी लोगों से माफी चाहूंगा। दरअसल मेरा ये मानना है कि जो भारतीय परंपरा है उसका प्रॉपर विश्लेषण नहीं हुआ है। हाँ, जितनी भी भारतीय पद्धति है ज्यादातर लोग उसको क्राफ्ट की शैलियों में डाल देते हैं कि उसमें कुछ आधुनिक संदर्भ नहीं है या समकालीनता नहीं है। मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा सभी लोगों से कि एक बार फिर से आप पलट के धीरे से आप अंदर आइए, उनके बहुत पास से देखिए। जितनी भी चित्रकला की पद्धतियां वेस्ट में कोट की जाती है वो सारी चीजें उसमें आपको मौजूद दिखाई देगी अगर आप तो अपने विवेक को थोड़ा सा खुला रख के देखेंगे। तो आप बिल्कुल अगर हैं तो आपको रंग उसमें दिखेंगे। आप दुनिया के जो दो तरह लीनियर और टेक्सचरल सरफेस किस तरह से काम करती है वो उसमें आपको दिखाई देगी। नरेशन को किस तरह अपनी शैली में लेके आना, ये अप, और वो ना सिर्फ एक भारतीय पद्धति से जुड़ी, वो पूरी साउथ एशिया की जो हमारी परंपरा थी उस सबको समेटे हुए है। यहां से लेके ओटोमान साम्राज्य तुर्की तक जो रिलेशन है कि भारत से अगर ब्लैक इंक बन के जा रही है या इंडियन येलो कलर बन के जा रहा है तो वो रंग भी तो काम कर रहा है बनाने वाले से, उस प्रोसेस से बिल्कुल लगाने वाले। बिल्कुल हाँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट करने वाले मिनिएचर में आपको मिलेंगे कि वो राग माला पेंट करते हैं। किसी राग को, राग भैरवी को मान लीजिए आप पेंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है आप बताइए। बिल्कुल हर जितने भी तरीके के इज्म होते हैं, सरलिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, जिस भी तरीके के ढांचे में आप देखना चाहें वो सारी चीजें दिखती हैं आपको। जैसे मूलतः मैं मालवा का हूँ तो मालवा मिनिएचर में आप ये देखेंगे वो रंग प्रधान है, दो तीन रंग है बस, उसमें बहुत कुछ नहीं है और फिगर भी बहुत रॉ है, एकदम खुरदुरापन बहुत ज्यादा है, जीवन जीवंत तो दिखेंगे वो। वही जो मालवा मिनिएचर ट्रांसफॉर्म होके मेवाड़ जाता है या बूंदी या कोटा जाता है, कैसे वो फाइननेस आती है जगह और परिस्थिति के हिसाब से। और हर जगह के स्कूल अलग है, आप ये देखिए जैसे मध्य प्रदेश में भी आपको चार स्कूल मिलेंगे, है ना, मालवा मिलेगा आपको, ओरछा का मिलेगा, इवन आपका मुरैना, मुरैना के पास एक जगह अभी नाम याद नहीं आ रहा, वहां स्कूल है। मतलब ये सारे मिनिएचर टाइप के पेंटिंग्स होते हैं इनके। हाँ, सब ये मिनिएचर के स्कूल है। जैसे आज जैसे मान लो जेजे है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट है, ये उस जमाने में भी स्कूल होते थे। सही बात तो सही बात हाँ, और हर एक की शैली अलग है। जैसे राधवगढ़ का आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सरलिस्टिक और थ्री डायमेंशनल पेंटिंग है, जो दुर्गा जी के ऊपर जितने भी आप मिनिएचर देखेंगे तो राधवगढ़ जो ये ग्वालियर स्टेट के अंदर आता है आप देखेंगे तो इससे वो हाईली रियलिस्टिक और थ्री डायमेंशनल काम है। और हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, कोई किसी की आइडेंटिटी को टेक ओवर नहीं कर रहा है और ना कोई ये बोल रहा है कि हमारा बेहतर है, आपका कमतर है ना। यहाँ से लेके जब वो पहाड़ी, जब यहाँ से धीरे धीरे पहाड़ी स्कूल की तरफ जाते हैं तो आप देखें कि गुलेर स्कूल निकल के आता है। गुलेर स्कूल के दो तो बहुत नेमसुक का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, एक है मोलाराम जी, उनके ऊपर बहुत कम काम हुआ है, जिनने अभिसारिका पेंट करी, ही इज द वन अल्टीमेट पेंटर। अगर मैं, मुझे ये लगता है कि सच में मिनिएचर का फिर से कोई अनुसंधान करे और कोई बड़ा व्यक्ति उस पर काम करे तो रात को इतनी गंभीरता से पेंट करने वाले उन्हीं ने रात को इतना अच्छा पेंट किया। और फिर वो पहाड़ी स्कूल से निकल के लखनऊ में भी गए, वहां भी उनके शिष्य बने, वहां से लेके वो आगे बढ़ते हैं फिर महाराष्ट्र तक आते। ऐसे 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 यहाँ की, और इतने स्कूल हुए हैं कि अब बस लेकिन बोलिए आप। वो सारे
वो सारे स्कूल जो है उनकी जो सोच है वो अभी पूरे चेंज हो गया, बदल गया अभी उसका। जी। नहीं, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि जब हम ही अपनी चीजों को गंभीरता से न देखें, कमतर हो कमतर आकेंगे, तो निश्चय ही वो तहस नहस होना शुरू होता है। कोई भी सही चीज बात, का अवमूल्यन इसलिए होता है कि उसके आसपास का समाज अगर उसको स्वीकार करना बंद कर दे तो धीरे धीरे उसमें मूल्यह्रास होने लगता है। किसी भी चीज का मूल्यह्रास इसी वजह से होता है कि समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, समाज उसको स्पेस नहीं दे रहा है। तो आप मिनिएचर में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या कनेक्शन लगता है, उसके रंग, उसके नरेशन, या उसके लाइंस, या उनकी जो छोटी फिगरेटिव फॉर्म्स होते हैं, वो आपको क्या कनेक्ट कर पाता है, करता है वो? उस पूरा पूरा उस सब सबसे ज्यादा मुझे जो मेरे इसमें मदद करती है वो है कि वो एब्स्ट्रैक्ट को किस तरह से डील करते हैं, उसकी कंपोजिशन कैसी है, रंग किस राग में कौन सा रंग लगेगा, या मान लीजिए कि 12 मासा अगर वो पेंट कर रहे हैं तो किस महीने के में वो बादल किस तरह से बना रहे हैं, ब्लू के कौन कौन से शेड हैं, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसमें लाइनें कैसी है। तो मुझे वो ऐसा लगता है कि वो है ना, जो हमारा मास है मतलब फिगर का मास है उसको हल्का कर देते हैं, वेटलेस कर देते हैं। ओके, सही जी, बात। और फिलॉसफी तो है ही, उसमें बहुत गहरी फिलॉसफी है बिल्कुल उसमें, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सबसे मतलब बहुत खूब सबसे बहुत खूबसूरत मुझे जो लगती है हमारी जो पारंपरिक भारतीय कला है, उसमें जी। एक उसकी जो बोध है, उसकी जो नरेशन है, जो संपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लेसन्स को, जी ऐसा एक नरेशन को एक बहुत खूबसूरत तरीके से रखती है। आप कोई भी फोक आर्ट को लीजिए, कोई भी हमारे भारतीय कला को लीजिए, जी 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 एंड वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है हमारे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ। तो ये जो आपकी जो मिस्ट्री जोन को जो आप एक्सप्लोर करते हैं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा इसमें क्योंकि मैं जब आपके पेंटिंग्स को देखता हूं, जी जो कलर्स है उसमें, वो कलर्स में तो मिस्ट्री है, लेकिन उसकी जो फॉर्म्स है, जहां पे अक्षर के कुछ फॉर्म्स जैसा लगता है उसमें, जी जी लेकिन मैं जब आपकी एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स को देखता हूं, जो हर मतलब एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, बहुत मतलब समथिंग विच आई लाइक वेरी मच इन यू इज, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की फैक्ट्री नहीं खोल रखी है। नहीं जी तो मैं कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट कलाकारों को ऐसा देखता हूं जो एक बार बिकने लगी वो जिंदगी भर वो उस ढांचे से बाहर नहीं निकलते हैं। जी लेकिन मैं आपको देखता हूं, आपके काम देखता हूं कि हर 2 साल 3 साल में एक बदलावट आती है उसमें। तो अगर मैं आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्क की अगर मैं कलेक्शन करूं तो वो 3 4 पड़ाव में मुझे दिखता है, जी राइट? एंड एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन, बहुत सुंदर है वो, जी क्योंकि हम हर 2 3 साल में हमारे में कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर आता है। ऐसा नहीं होगा कि हम बदले बिना हम बस ऐसे ही चलते रहे, ऐसा नहीं होता है उसमें। नहीं, वो तो देखिए ये तो क्या, परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, और नेचर लगातार बदलते जाता है, लगातार बदल रहा, आप स्थिर कैसे रह सकते हैं, करेक्ट, और खुद को दोहराना तो खुद को ही धोखा देना है एक्चुअल में। मुझे ऐसा लगता है रिपीटेशन करना है ना, आप सबसे पहले खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हाँ उसमें, मैंने खुद क्योंकि ने कहीं ना कहीं आता एक सैचुरेशन आती है, एंड मैं मानता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें वो एक ध्वनि को लाना है ना, जी। उस गूंज, वो आसान नहीं है, वो सिर्फ जी जी ऐसा जी नहीं है वो, बिल्कुल। तो जी ऐसा जी मेरा मानना है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी जो आप स्क्रिप्ट वाले काम बोल रहे थे, वो अभन सीरीज के काम थे, वो छूटे ही मुझसे, कि क्योंकि उसमें ना मेरे को आत्मा दिखना बंद हो गई थी, कि वो चित्र में एक आत्मा ही नहीं आ रही है, उसका सोल ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी मिसिंग है इसमें, तो उस दिन से मैंने वो ना मतलब
तुरंत ही बंद कर दिया। तब से ही ड्राइंग कर रहा हूं मैं, अभी 2015 से लगातार मैं ड्राइंग कर रहा लेकिन हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो पेंटिंग्स में, उसमें प्रामुख्य अगर मैं देखूं तो मोटे मोटे फॉर्म्स लगते हैं, मतलब लाइन्स ही इतने मोटे हैं कि दे आर फॉर्म्स ओरिएंटेड है वो। लेकिन जी मैं जब आपकी ड्राइंग्स को देखता हूं वो लाइन ओरिएंटेड है, जी 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 मतलब आपकी पेंटिंग्स फॉर्म्स ओरिएंटेड है, ड्राइंग्स लाइन ओरिएंटेड है, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्शन बहुत सुंदर तरीके से लेके आते हैं। तो आपकी ये बदलावट जो फॉर्म से निकल के लाइन तक आई, एंड जी जी आपकी जो दूसरी जो कलाकृति एब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में मैं अगला सवाल पूछता हूँ, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूं कि ये फॉर्म से मुड़कर लाइंस को आप कैसे आए उसमें, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, वो जर्नी कैसे रही? दरअसल इसमें ही फोक आर्ट का बड़ा योगदान है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर हर त्योहार पर घरों में ड्राइंग बनती है, वो माँ जैसे नागपंचमी पे, जब हमारा मिट्टी का घर था तो नागपंचमी पे फिर वो उंगली से बहुत सिंप्लीफिकेशन से 5 नाग बना देती थी, या आपने देखा होगा और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो नाग के फॉर्मेशन होते हैं जो ऐसे ऐसे बराबर गुथे हुए। हाँ, तो ये पारंपरिक जो कलाओं में घर में बैठा हुआ एक्चुअली भारतीयों के खून खून में ही है कि रेखा से और रॉन एस से डील करते आए हैं ना, तो अगर आप सजग है तो वो आपके काम में आएगा क्योंकि वो आपका जिया हुआ हिस्सा है। तो कैनवस में आपको वो एब्स्ट्रैक्शंस पूरे फॉर्म से दिख रहे थे अभी आजकल आपको, एंड मुझे लगता है कि आपका पेपर साइज भी छोटा हो गया कंपेयर टू वो दैट आदमी कैनवस। कैनवास तो आप तो ये बहुत कैसे लगता, बड़े बड़े तो क्या वो ऐसा लगता है कि आप, आपकी सूक्ष्मता ज्यादा बढ़ रही है, मतलब आप और भी और भी और भी और भी माइक्रोस्कोपिक होते जा रहे हैं क्या? होते हैं। हाँ, उसमें दो कारण है। एक तो क्या घूमता जाता हूँ तो बड़ी चीजें कैरी करना आसान नहीं होता है, तो ये A4 शीट के और A3 साइज के जो पेपर होते हैं इनका स्केचबुक का रखना और पेंसिल और चारकोल रखना और एक इंक की बॉटल अपना, यूजली ये बहुत आसानी से एक अपने ट्रेवल बैग में आ जाती है और उसको रख लो और आप ट्रेवल करते रहो, काम करते रहो। और जैसे भी हमारे सारे सीनियर जितने भी बड़े पेंटर हैं वो भी लगातार घूमते थे देश काल, मतलब बोलते हैं कि देश काल परिस्थिति को जानना एक विजुअल आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो भारत के जितने भी स्टेट है मैं हर स्टेट में घूमना रुक के काम करना चाहता हूं, उसकी ये जो बहुत सौंदर्य है बिल्कुल ना हर स्टेट की बात अलग है। जैसे अभी मैं कर्नाटक नहीं, गया था तो कर्नाटक का अलग ही एक रस है। एक वारी थी कर्नाटक की तो इतनी मीठी आवाज थी जो कबीर को गा रहे थे, वो मुझे समझ में कुछ नहीं आया, कन्नड़ में था शायद वो, लेकिन वो जो मिठास थी वो अंदर तक घुल गई मेरे। तो ये जाके ही मतलब बोलते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मैं पूरा भारत बिल्कुल घूमना चाहता हूँ बस। बिल्कुल नहीं, इससे मेरे को मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई कि आप धीरे धीरे वो जब हम बड़ा कैनवस, रंग रूप सब लेके उसमें से आप धीरे धीरे सिंप्लीफाई होके होके होके, मतलब उसमें सरलता 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 बनती गई। क्या आपकी ट्रेवल्स में इतना अनुभव हो गया कि आपकी जिंदगी में वो सिंप्लिसिटी ज्यादा आती है? बोला कैनवस अभी नहीं चाहिए, पेपर चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, रंग वो नहीं चाहिए, चलो एक पेन और पेंसिल से, मतलब जैसे जैसे हम सरलता में आते हैं वैसे वैसे चीजें छूटती जाती है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्योंकि आपकी कैनवास वर्क और अभी का वर्क देखता हूं तो ऐसा लगता है मेरे को। जी, हाँ, उससे है ना भाव भी बदलता है कई बार ना। जैसे यूजली जो भारतीय तरीका है, भारतीय मार्केट, आर्ट मार्केट सो कॉल्ड, उनको लगता है कि पेपर का वर्थ नहीं होता है, उसका पैसा नहीं होता है, तो वो भी चीज आपको मदद करती है। ठीक है यार, कम आ रहा है ना आपके पास तो उसमें से गुजारा आदमी कर, जीवन शैली एक आपको लगता है जितना काम आएगा, नहीं तो एक मोह तो देखिए बना ही रहता है, काम बिल्कुल बिकेगा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लग्जरी बढ़ेगी। उस तरीके की अगर कुछ कुछ चीजें आती है तो उसके साथ साथ कुछ प्लस माइनस भी आते हैं साथ। और अभी यात्रा में हूं तो ये बड़ा सुखद भी इसलिए है कि
वो जो एकदम शुरू में हम बहुत लैंडस्केप करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वो करते हैं, अब यात्रा में आने से वो सारी चीजें ना धीरे 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 माइन्यूट सी छोटी छोटी चीजें, छोटा सा भी हल्का सा अगर किसको आहट बोलते हैं तो वो आपके काम में आने लगती है ना। कोई छोटी सी चीज दिखी तो आप आओ, जैसे मैं आज भी तितली को देख के मेरे को बहुत आनंद आ जाता है। अभी हम गए, मैं अनिल भाई आए हुए थे, तो हम लोग वो पावना लेक गए, तो पावना लेक के सामने बिल्कुल जंगल में एक झरना था, हम गए तो एक सुंदर सा बीटल, आप मानेंगे इतना कमाल बीटल, उसको देख के इतना आनंद आ गया कि अब क्या वो बताएं उसकी कोई कीमत ही नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको आनंद देती है वो बहुत अद्भुत। ये अभी आप गेम कौन सा खेलना सीरीज पे क्या काम कर रहे हैं जी। अभी अभी राइट नाउ? अभी हाँ, आपका कौन सा सीरीज क्या चल रहा है? अभी क्या सोच चल रहा सीरीज तो नहीं, जो ये पंढरपुर की जो मेरी यात्रा हुई है है? वो ही अभी अभी एक दो काम ही मतलब डाले हैं मैंने एक फेसबुक पे, बाकी तो उसी पे काम कर रहा हूँ। और एक वो और जो ऑब्जर्वेशन छोटा मैंने, काम होगा, जी जी सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन मैंने किया जो हाल जी आपकी जो रीसेंट सीरीज में, जी आपके अगर मैं पहले वाला सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट देखूं उसमें तो उसकी जो कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी वहां पे बड़े पैच हुआ करते थे ब्लैक्स के, एंड जो जी ग्रे और व्हाइट है लाइंस है वो उसमें ड्रामा होता था, उसमें वो प्ले होता था, उसमें जी 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 वो एक विजुअल नाटक रचना कर देती थी वहां। जी लेकिन जी जो नेक्स्ट देख रहा हूं मैं उसमें काफी सारे आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस जैसा भी उसमें फॉर्म्स दिखने लगे, जी जी जहां जी पे लाइन होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक छत है, एक दीवार है, एंड जी ऐसा लगता है कि वो कुछ वो छत या दीवार के पीछे शायद एक कहानी है, वो जी छत के नीचे शायद एक कहानी है, जी मतलब जी वो काफी सारे आर्किटेक्चरल एक 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 क्या बोलते हैं उसमें, एक कंस्ट्रक्शन की फॉर्म्स आने लगे। तो वो कैसे आई, वो कंस्ट्रक्शन वाली फॉर्म्स कैसे, आर्किटेक्चरल फॉर्म्स कैसे आई वो? नहीं, मुझे ये पता नहीं है। दरअसल ये हो सकता हो यात्राओं का, क्योंकि अलग अलग जगह हर एक दिन में एक गांव हमारा एक्सप्लोर हो पाता था, तो हो सकता हो वो जो उसकी जो बनावट है, वो जो उस वक्त जो लोग जिए, जो सब लोग किसी एक जगह पे इकट्ठा हैं और वहां से वो रास्ते हैं, हो सकता हो मैं भी वो एरियल पर्सपेक्टिव से जो चीजें दिख रही है, समझ में आ रही है, स्वतः जैसा निकल के आ रहा है मैं उसको होने दे रहा हूँ, रोक नहीं रहा हूं। अभी जैसे एक काम मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारी चीजें करी उसमें, बहुत ज्यादा हो गया, धीरे 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 फिर वापस वो कम हो गया। तो वो जो खेल चल रहा है ना, बस उसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, जो हो रहा है बस वो हो जाए। बहुत सुंदर, क्योंकि मैं इसलिए ये करता हूं क्योंकि आपकी जो पेपर वर्क में, क्योंकि एक ब्लैक कलर को आपने कर दिया लेकिन वो जो ग्रे है फॉर्म्स है, वाइट फॉर्म्स है, जो लाइन के फॉर्म्स है, छोटे छोटे कर्व्स और डॉट्स है, वो जी इतने उसके बैलेंस्ड पोजीशन पे है अगर आप पेपर में, क्योंकि एक डॉट भी आजू बाजू किधर हो गया तो शायद थोड़ा बैलेंस चुकेगा, जी बहुत परफेक्टली वेल प्लेस्ड बैलेंस, वो इतना रैंडम स्ट्रोक्स एंड ऑल उसमें। तो ये क्या आप आपकी ड्राइंग्स जो होती है वो पहला आप थोड़ा एक ड्राइंग बेस बना लेते हैं क्या, ऐसे ही मतलब जैसे जा रही है जाने दो इसको, खोजते नहीं, निकलते बस उसमें? मतलब ऐसा उसको जो थिकनेस चाहिए मुझे ना पहले, क्योंकि वो सूखने में समय लगता है, तो एक जो थिकनेस है थिक को मैं बहुत रैंडम ड्रा कर देता हूँ, मोटे पेज जिसको बोलते हैं, और फिर चारकोल से खूब उसको रगड़ता हूँ और वो स्वतः जो होता है वो निकल आता है, जो मोटे पेज लिए आते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से मुझे कहीं लाइनें दिखती है, और मतलब वो जो दिखता है बस मैं उसको उघाड़ने की कोशिश करता हूँ एक तरह से, जो सामने है बस उसको, जैसे मान लीजिए एक प्रार्थना में हम ईश्वर से कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आप प्रकट हो जाओ,
ये बात मुझे हमारे से गुरु भाई हैं सिद्धार्थ जी, उनने बोली थी कि जो आपकी चौकोर स्पेस होती है, ब्लैंक सफेद चौकोर या रेक्टेंगल, पूरी दुनिया में हजारों आर्टिस्ट है, उसी सफेद में से सब निकल रहा है। ये कैसे होता है? उसी सफेद में से, उसी कोरेपन में से निकल रहा है सारा। तो बोल रहे सही बात, हमेशा उसको पहले प्रणाम करना, क्योंकि वो भी ईश्वर की तरह है, तो उसको प्रणाम करना और फिर उसके बाद आप उसके साथ हो जाओ। तो ये उनकी उनकी दी हुई सीख है और उसको मैं हमेशा याद रखता हूं। बहुत सही, बहुत सही। तो और कोई विशेष बातें हैं आपके जो एक्सप्लोरेशन के बारे में, या आपके जो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, या तो आपकी मिस्ट्री के बारे में, और एक कोई ऐसे कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर जरूर। पंद्रह तक जितने भी मैं अपने कैनवास करता रहा, फिर मुझे ऐसा जब जब ये एहसास हुआ कि एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब मुझे वापस से खोज वो जो सोल, मिसिंग सोल था, उस पर फिर से काम करना चाहिए, तो फिर से मैं जब रेखाओं की तरफ या उसकी तरफ जुड़ा, तो चूंकि मेरा ध्यान हमेशा, चूंकि मेरे जो पिताजी थे वो भजन गाते थे, तो अभंग वगैरह ये गाते रहते थे, तो पिताजी की वजह से वो एक अवेयरनेस मेरे अंदर रही। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हर स्टेट के जो भक्ति कालीन मूवमेंट खड़ा हुआ है, तो ये कर्नाटक से शुरू हुआ था, एकदम वहां से कर्नाटक से महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र से कैसे वो पूरे भारत में ट्रेवल किया, तो मुझे वो पूरा रास्ता ट्रेवल करना है। जैसे आप देखेंगे बादामी, अहियोल है ना, उधर से आप ऐसे नीचे से ऊपर आइए करेक्ट, और फिर आप पूरे मंदिर की संरचना देखें, भारतीय जो पारंपरिक मंदिर है उसपे जो मूर्तियां हैं वो आप देखेंगे ना, तो आपको पूरी एक यात्रा, एक सूत्र समझ में आता है कि वो कैसे गुथे हुए हैं। ऐसे ही भक्ति मूवमेंट भी एक दूसरे से गुथा हुआ है, तो मुझे वो पूरा यात्रा देखना है और उस देखे हुए को जो मैं जीऊंगा उसी को पेंट करना है, क्योंकि मेरे मुझे लग रहा है कि अगर मुझे ये समझ रहा है तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि न सिर्फ मैं उस पे गहरे से अध्ययन करूं, चिंतन करूं, और जो मिल रहा है वो अपने दोस्तों से, मित्रों से बांटूं भी। क्योंकि यहाँ आया तो आप देखिए, एक संत है, महिला संत है, सोहरा भाई, उनका एक अभंग है कि औघा रंग एक झाला, किशोरी अमोनकर जी ने भी गाया है उसको, अब सारे रंग मिलके तो एक होते जा रहे हैं, तो प्रेम ईश्वर के प्रेम में या भक्ति के प्रेम में सारी चीजें मिलके एक होती जा रही है। तो जो हमारा आज अगर एक प्रश्न निकलता है ना, कंटेम्प्रेरी आर्ट और समकालीन कला, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ हो सकता है तो हर एक कलाकार अपनी तरह से प्रयास करते ही हैं, ऐसा नहीं कि किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, सब अपनी जगह बहुत बेहतर करते हैं, पर फिर भी एक भारतीय जो संदर्भ है चीजों का, भारतीय जो तत्व है, वो इसी तरह से आएंगे, और क्या बोल के अतिक्रमण से तो नहीं आ सकते, या बाहर से कहीं से नहीं आ सकता, वो उसका एलिमेंट बिल्कुल, वो आएगा तो हमारी जड़ों से आएगा, हमारी मिट्टी से आएगा, जो भी हमारी देश की जो चीजें हैं, धरोहर है, उसी से निकल के आएगा। हाँ ये है कि उसके प्रति हमको अंधश्रद्धा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए उसको। अब जैसे बुद्ध ने कहा कि भाई आप किसी के कहे हुए सच पे विश्वास नहीं कीजिए, अपने सच को खोजिए और उस पे बिलीव कीजिए। या बिल्कुल, फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। हाँ, तो तो आपको अभी की जो हाँ कंटेम्प्रेरी सिनेरियो, क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसा मानता हूं कि हमारी जो आध्यात्मिक हो या हमारी जो सांस्कृतिक हो, एक पौराणिक विरासत में, उस पूरे जी, चीजों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पूरे जो ज्ञान चाहिए वो है, उसमें पूरा भंडार है। जी। तो हमारे कलाकृतियों में भी, कला के क्षेत्र में भी, जो
जिसी भी तरह का आप शैली लीजिए, आप फिगरेटिव लीजिए, रियलिस्टिक लीजिए, सर रियलिस्टिक लीजिए, आप क्रिएटिव कर लिए, आप एब्स्ट्रैक्ट कर लिए, कुछ भी, ये सारे हमारे ऑलरेडी हमारे इस भंडार में उपलब्ध है। एंड जी मुझे जी हमेशा ऐसा लगता है कि हम भारतीयों को पाश्चात्य की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जी हमारे भीतर है उधर, उसमें हमें जी सिर्फ जी उसके ऊपर ही और थोड़ा खोज करना, और थोड़ा ये करना, रिसर्च करके और डीप में जाना, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इसमें, आपका क्या अभिप्राय है? जी जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे भी हमेशा से यही लगता है कि जो भी हर देश की जो कलाएं हैं वो उसके परंपरा से ही और उसके देश काल से उससे निकली हुई है, बस उसका विवेकपूर्ण चयन करते आना चाहिए। उसका एक जो बिल्कुल चयन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम जैसे भाई हम आप हर चीज को छानते हैं ना चीजें, वैसे ही छान के रूपांतरित होके वो आपके जीवन में आएंगी तो आप भी समृद्ध होंगे, आपका काम भी, और आपको जो भूमिका मिली है जीवन में वो आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बिना इसके सुंदर। होती नहीं है। मतलब आप बाजार को भी देखिए ना, जो बिट्को मंजन आता था कोयले का मंजन, इसमें नमक मिला हुआ होता था, पहले भारतीय लोग वो करते थे, फिर कोलगेट आया तो लोगों को लगा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया लोगों में, और विदेशी है, अमेरिकन कंपनी है, तो सब कोलगेट लगने लगे। फिर कोलगेट ने बोला मेरे टूथपेस्ट में नमक है, तो लोग वापस से नमक, मेरे टूथपेस्ट में कार्बन है तो कोयला मिलाने के, अब कोयला ब्रश बेचना है तो बोले कोयला वाला ब्रश, चारकोल वाला सही ब्रश। है, बाजार आपकी दिशा को निर्देश करे, ऐसी मनोस्थिति में न रहे, हम अपने विवेक को जाने कि ऑलरेडी हमारे पास जो धन है उस धन का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये बाजार आपको पहले बीमार करता है फिर उसकी दवाई बनाता है। सही बात। उनने हमारे किचन से तांबे के, पीतल के, कांसे के बर्तन निकाल दिए और हमारे किचन में ठूस दिया एल्यूमिनियम। लोगों ने अपने घर से कीमती एंटीक बर्तन, जबकि मुझे ये लगता है भारतीय क्राफ्ट में कोई गिलास या लोटा भी बना होगा ना, वो म्यूजियम पीस ही बना, सही बात। क्योंकि मेरे दादाजी तक की, मेरे पिताजी तक की पीढ़ी ने जो भी किया वो जैसे कबीरदास जी ने बोला ना कि भाई वो हर चीज ईश्वर के लिए बनाते हैं, ऐसे हमारे भारतीय समाज की जीने का तरीका ही ऐसा था, इसलिए उनने जो भी बनाया वो सब इतना खूबसूरत, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते थे कि आपके काम से आपका नाम जुड़ा होता है तो काम कभी मत खराब करना, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग वैसे ही थे, उतनी उतनी उनके अंदर उतनी लगन थी, वो जो जज्बा था सबके अंदर वैसे ही था। बिल्कुल तो इन लोगों ने क्या किया, हमारे घरों में एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम से बीमारियां पैदा हो रही है, जो शुद्ध सही नमक बात। हम नॉर्मल नमक खाने की स्थिति में थे, फिर उनने बोला फिल्टर चीजें खाओ आप ये खराब है, फिल्टर चीजों ने हमको कैंसर वेंसर ना जाने कितनी बीमारियों से, अब वो दवाइयां भी विदेश से आ रही है और बनाने वाली कंपनियां भी वही है। सही बात। तो ये हर जगह हो रहा है, आर्ट सीन में भी वही हो रहा है, पहले वो आपको बीमार करेंगे फिर धीरे से बोलेंगे योगा होके आ जाएगा। ठीक, सही बात, सही बात। एकनाथ जी, और मुझे लगता है कि मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, हम तो चर्चा और भी करेंगे, फिर से हम जी ये जी करेंगे। यार ये बढ़िया लगा मुझे मैं आपसे बात करके। आज आज के इस संवाद का मैं यहीं पे रोक करता हूं, एंड जी हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मुझे वो जो राख के बारे में जो आप कहते हैं, एंड जो मिनिएचर्स पेंटिंग की जो इसमें उसमें विशेषता, हम चर्चा करेंगे फिर से और एक बार। जरूर, मैं अगली बार जो जो खास मिनिएचर है उनके वो भी लाऊंगा और वो आपको भेजूंगा, फिर हम इस पर हाँ बात। वो, हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें हम दोबारा से जी बैठेंगे अब। जी बट आज का इसके लिए हमें यहीं रोकना होगा, उसमें हम दोबारा मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग दिस। ये थी राजेश एकनाथ जी के साथ, उनकी अनुभूतियां, उनसे चर्चा, उनकी बातें सुनने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच राजेश जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस आर्ट टीवी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बात सब लोगों तक पहुंचा सकूं।
सभी बस दोस्तों को। आर टीवी का यही उद्देश्य है इसमें, जी जी हम जी यही मानते हैं इसमें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर टीवी एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजेश जी। जी